नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों आज मैं आया हूँ वाक्य लेकर। जो हमारे हिंदी के वीडियोस हुए हैं उनमें चैप्टर वाक्य नहीं हुआ है, तो वाक्य से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे यू पी ट्रिपलसी कराए चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आए, ठीक, उसमें वाक्य से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो वाक्य बहुत ही आसान है और इसको आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से करके आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डन, तो आइए हम स्टार्ट करें वाक्य। वाक्य में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले उसे हम कहते हैं वाक्य। वाक्य दो प्रकार का होता है, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। बहुत ही आसान, सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक क्रिया, एक कर्म और एक कर्ता हो उसे हम कहेंगे साधारण या सरल वाक्य। जो हम लोग आम भाषा में वाक्य प्रयोग करते हैं, आपस में बोलते हैं, है तो वो सब सरल वाक्य। बट जिसमें एक क्रिया, एक कर्ता, एक कर्म हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब देखो, जैसे हमने लिखा शिल्पी पत्र लिखती है, तो इसमें शिल्पी क्या हो गया, कर्ता, पत्र क्या हो गया, कर्म, लिखती क्या हो गया, क्रिया। एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया, ठीक। इसमें देखना, मोहन खाना खाता है, खाता क्रिया, खाना कर्म और मोहन कर्ता। जिसमें एक क्रिया, एक कर्म, एक कर्ता हो वो हो जाता है हमारा सरल या साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य, छोटे छोटे वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों। योजक एक प्रकार के शब्द होते हैं, देखो योजकों द्वारा। अब वो योजक कौन हो सकते हैं, और, एवं, या, इसलिए, तथा, अथवा, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। अब दो वाक्य हैं, दो वाक्यों के मध्य ये शब्द, इनमें से कोई एक शब्द आ जाए, आप बेधड़क लगा दीजिए, ये जो है हमारा संयुक्त वाक्य है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अब यूपी 12SC का पेपर हुआ, उसमें आया था। ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें हिंदी आती हो, संयुक्त वाक्य ना पूछा जाता हो। है तो बहुत, लेकिन 99% आपका और लगा के वाक्य पूछा जाएगा, और लगा के वाक्य पूछा जाएगा। डन, जैसे वह सुबह गया और, देखो और लगा, शाम को वापस आ गया। वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया, और लगा तो समझ जाओ संयुक्त वाचक वाक्य है। डन, 100%। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, पर आ गया, पर इसका मतलब ये संयुक्त वाचक वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल ना हुआ, किंतु के माध्यम से वाक्य जुड़े, तो किंतु क्या हो गया, संयुक्त योजक चिन्ह हो गया, ये संयुक्त वाक्य में आएगा। राम घर गया और सो गया, और के माध्यम से सो गया जुड़ा है, अब बीच में और आ गया है, ये संयुक्त वाचक वाक्य है। या हमने कहा कि मैं मेला गया और झूला झूला, क्वामा मिठाई खाई, घर वापस आ गया। अब देखो इस और के माध्यम से एक ये छोटा वाक्य जुड़ा है, तो और योजक चिन्ह है, और जहां पर आ जाए वहां पर संयुक्त वाचक वाक्य होगा। अब इनमें से कोई भी आ सकता है, ध्यान रखना, किंतु 99% और ही देगा, क्योंकि ये और ही पूछा जाता है। डन,
नेक्स्ट ये हो गया हमारा, ये नेक्स्ट मिश्र या मिश्रवा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो सिंपल सी बात है, मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होगा, दो वाक्य होंगे। मिश्र या मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होंगे, प्रथम वाक्य दूसरा वाक्य। ठीक, देखिए क्या है? दो वाक्य देखना इधर, मिश्रित वाक्य क्या होता है, एक वाक्य में दो वाक्य, ये दो वाक्य पहला दूसरा। पहले वाक्य के अनुसार जो पहला वाक्य ये होगा, इसके अनुसार दूसरा वाक्य बनाया जाएगा। मतलब अगर जो पहला वाक्य हमें पता चल जाए तो हम दूसरा वाक्य बना लेंगे। जैसे हमने कहा या वही लड़का है जिसने, अब हमने कहा पहला वाक्य कहा यह वही लड़का है जिसने, आप आगे बना दो, जिसने कल चोरी की, जिसने कल खाना खाया, जिसने कल लड़ाई की। मतलब प्रथम वाक्य के अनुसार दूसरा वाक्य बना दो तो मिश्र या मिश्रित वाक्य। और प्रथम वाक्य जो होता है ये प्रमुख होता है और ये गौण होता है। प्रथम वाक्य प्रमुख होता है, दूसरा गौण होता है, और गौण वाक्य प्रथम वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा, गौण वाक्य प्रमुख वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब प्रथम वाक्य के अनुसार हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं, और जब प्रथम वाक्य के अनुसार दूसरा वाक्य बना दे तो वहां पर मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो आगे अपने आप बना दो, तो सफलता अवश्य मिलेगी, अपने आप बना सकती हो। अब ये वाला वाक्य इस पर निर्भर है, ये हमारा मुख्य वाक्य हो गया, ये हमारा जो है गौड़ वाक्य हो गया। गौड़ वाक्य प्रथम वाक्य पर निर्भर करता है। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की, ये वाला इस पर निर्भर है। तो प्रथम वाक्य के अनुसार दूसरा वाक्य बना दो तो हमारा हो जाता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। डन, ये हो गया। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 वाक्य है, 8 जो है अर्थ के आधार पर डायरेक्ट कट टू कट क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, 8। डन, कौन से, विधानवाचक वाक्य। देखो विधानवाचक, अब विधान से विधान, पूरा ब्रह्मांड, विधान का मतलब क्या, पूरा ब्रह्मांड के अनुसार जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्म एक कर्ता। अभी हमने सरल वाक्य बताया था, सरल वाक्य इसमें भी आएगा, विधानवाचक वाक्य में आएगा, सरल वाक्य विधानवाचक वाक्य में भी आएगा, ध्यान रखना। इसमें जो है किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो, मतलब सरल वाक्य इसमें आएगा, प्लस किसी के अस्तित्व की जानकारी मिलेगी, किसी की वास्तविकता की जानकारी मिलेगी, किसी के अस्तित्व की जानकारी मिलेगी, किसी की वास्तविकता की जानकारी मिलेगी, सत्यता की जानकारी मिलेगा। मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सब विधानवाचक वाक्य में आएंगे। जैसे हमने कहा सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है इसका मतलब क्या, सत्य है, कभी पश्चिम से नहीं निकला, सूर्य पश्चिम में उदय होता है, सत्य है। तो जो सत्य घटनाओं पर आधारित वाक्य होंगे वो आएंगे हमारे विधानवाचक वाक्य में। ठीक है, विधानवाचक वाक्य में। डन, राम खाना कहता है सेम, साधारण वाक्य या वास्तविकता का ज्ञान हो। डन, इसके बाद नेक्स्ट निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नॉट का प्रयोग, निगेटिव सेंटेंस, नहीं लगा हो वो निषेधात्मक वाक्य हो जाता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा। देन ओके नेक्स्ट प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न का अभाव उत्पन्न हो और लास्ट में क्वेश्चन लगे प्रश्न, प्रश्नवाचक का चिन्ह। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, या हमारे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क। डन, कोई दिक्कत नहीं, विस्मयबोधक बहुत आसान है, पूछा जाता है। ये पहली बात, विस्मयबोधक को हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल देते हैं, और इसको जो है ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। इसका जो है ये पहचान सूचक चिन्ह है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, आश्चर्य हर्ष घृणा क्रोध आदि का जब भाव उत्पन्न हो वहां पर जो विस्मयबोधक चिन्ह होता है। जैसे हमने कहा अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, फिर ये चिन्ह आएगा, ये चिन्ह जरूर आएगा, ओह ये क्या हो गया, आहा कैसा सुंदर दृश्य, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, हाय उसके माता पिता चल से। आश्चर्य हर्ष घृणा क्रोध आदि के भाव जब उत्पन्न हो तो वहां पर विस्मयादबोधक चिन्ह होता है, और विस्मयादबोधक का चिन्ह
चिन्ह इंडिकेट होगा ऐसे। देन नेक्स्ट आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा प्रार्थना अनुमत उपदोष आदि का बोध हो, जहां पर आज्ञा प्रार्थना अनुमत उपदेश आदि का ज्ञान हो वहां पर जो है आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे बाजार जाकर फल लियो, मैं आज्ञा दे रहा हूं भाई, मैं आज्ञा दे रहा हूं तुम्हें बाजार जाकर फल लियाओ, तो आज्ञा तो हुई, आज्ञा तो हुई। वो दूसरी क्या है, मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, अब भाई हमने कहा मोहन बैठ के पढ़ो, मैं अपनी आज्ञा तो दे रहा हूं, आज्ञा आज्ञा से काम करवा रहा हूं। जैसे हमने कहा बड़ों का सम्मान करो, चुप रहिए अपना अपना काम करो, तो इसमें या तो प्रार्थना आएगी या तो आज्ञा आएंगे या तो उपदेश वाला मामला होगा। ठीक, नेक्स्ट इच्छावाचक वाक्य, अब इच्छा तुम्हारी इच्छा क्या है भाई, इच्छावाचक वाक्य क्या तुम्हारी इच्छा क्या हो, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। हाँ, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य में देखो इच्छा आशीष आशा आशीर्वाद आदि का ज्ञान होगा, इच्छा आशीष आशा आशीर्वाद आदि का ज्ञान हो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, मैंने आशीर्वाद दिया तुम्हारा कल्याण हो, ठीक, नव वर्ष मंगलमय हो भाई, नव वर्ष मंगलमय हो, मैंने तुम्हें आशीष दिया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, इच्छा मेरी इच्छा है आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो जहां पर इच्छा आशीष आशा आशीर्वाद आदि का बोध हो वहां पर जो है इच्छावाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट संदेह, संदेह बहुत इजी है, जिसके ऊपर संदेह हो, संदेह हो मतलब संदेह की भावना की जाए या संभावना व्यक्त की जाए। जैसे हमने कहा शायद कल वर्षा होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, शायद लगा है ना, संदेह बना है। जैसे हमने कहा संभवतः कलवा सुधर जाए, पता नहीं सुधरेगा नहीं सुधरेगा, तो ये हो गया हमारा संदेहवाचक। नेक्स्ट डन संकेतवाचक वाक्य, देखो संकेतवाचक वाक्य सेम हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य में हमने कहा था एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा, सेम यही है, एक क्रिया होगी, देखो दो वाक्य होंगे, एक क्रिया के ऊपर दूसरे क्रिया निर्भर करेगी, दूसरे वाक्य की क्रिया निर्भर करेगी। जैसे हमने कहा यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, मतलब सेम है वही चीज, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, सेम आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखना सेम आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य के इसमें उदाहरण आपको दिए जाते हैं। डन, ये हो गए हमारे वाक्य। ठीक, नेक्स्ट अब वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य होता है। जैसे हमने कहा अनुराग खेलता है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, अनुराग के बारे में बताया जा रहा है, तो अनुराग यहां पर हुआ उद्देश्य, जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य होता है, अनुराग मतलब जो करता होता है वही उद्देश्य होता है, विधेय। अब उद्देश्य के विषय में क्या बताया जा रहा, मतलब अनुराग के विषय में क्या बताया जा रहा, खेलता, तो खेलता क्या हुआ, विधेय हो गया, मतलब कर्ता छोड़ करके जो बचे वो विधेय, कोई दिक्कत नहीं। अब संज्ञा के उपवाक्य कुछ होते हैं, देखो ये थोड़ा मैं अंदर से पढ़ा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कभी दे दिया जाए, ठीक है, कि संज्ञा के उपवाक्य कौन कौन से हैं, ठीक, तो ये कभी कभी दे दिया जाता है, तो मैं ये सोचता हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए। डन, देखो संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा के उपवाक देखो ये तीन उपवाक होते हैं, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। अब पहचान क्या है, पहचान है कि की, अगर कोई सेंटेंस की से स्टार्ट है, बीच में की आ रहा है, तो वह क्या होगा, संज्ञा उपवाक होगा। जैसे हमने कहा मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार, की आ गया मतलब संज्ञा उपवाक, उसका विचार है कि संज्ञा उपवाक। अब देखो किया गया तो ये संज्ञा उपवाक हो गया, किया जाए, रश्मि ने कहा कि उसका भाई बटन आ गया कि, तो इसमें किया जाए तो संज्ञा, ये पहचान है कि। नेक्स्ट विशेषण उपवाक की पहचान, जो जिस जिसको जिसने जिनको, ये जहां पर लगे हों वो विशेषण उपवाक होंगे। जैसे हमने कहा ठीक है मैं एक व्यक्ति को देखा जो मेरा जो मोटा था, देखो
मैं एक व्यक्ति को देखा जो मोटा था, अब जो आ गया, जो जिस जिसको जिसने जिनको, ये वर्ड कहीं आ जाए, विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है? पहचान। क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, अगर, यद, यद्यप, ये वर्ण जिस लाइन में आ जाए तो समझ लेना वह क्रिया विशेषण होगा। कैसे? मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, तो क्योंकि आ गया, दिस इज अ क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखो, जहां जहां गए उनका स्वागत हुआ। ठीक, अब देखो, जहां जहां, यदि मैं परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। यदि, तो ये जितने शब्द हैं ये इनके अलग अलग पहचान है, संज्ञा की है, विशेषण की पहचान जो जिस जिसको जिसने जिनको है, क्रिया विशेषण की, क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, अगर, यद, यद्यपि। तो ये एक हमारा था वाक्य। ठीक है, वाक्य भेद। मैं फिर कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संयुक्त वाक्य आता है और 99% आपको और लगा के मिलेगा, पक्का श्योर है, कंफर्म है, ये मिलेगा और लगा के वाक्य, ध्यान रखना। और 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों ये था वाक्य, और आप लोग जरूर कमेंट करना कि ये टॉपिक कैसा लगा, जरूर कमेंट करना, जो भी गलतियां उनको भी कमेंट करो, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। आप